और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे और हाँ, और मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं और वो एक ही दिन के लिए आए हैं। रात को उन्हें किसी शादी में जाना है, लगन में जाना है पंडित जी की, तो वहाँ जाएंगे वो। दरवाज़ा कैसे खुला है? तो उन्हें लगन में जाना है तो वहाँ जाएंगे वो। शादी हम लोग बाद में अटेंड करेंगे, मैं और राजा, क्योंकि तब वो लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं। तो आज वो जा रहे हैं, उन्हें किसी तेरहवीं में भी जाना है, तो दो काम थे इसलिए वो आए हुए हैं। तो मैंने जस्ट अभी लंच बनाया है, ब्रेकफास्ट मैंने कर दिया था। जो लंच है उसकी तैयारी चल रही है, तो उसमें मैंने बनाई है, उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ आलू और सेम की सब्ज़ी। दाल मैंने बॉईल कर दी है, देख रही हूँ चावल बन गए हैं और अब मेरे को आटा गूंदना है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि वो लोग आ जाएंगे ना, राजा और पापा। जल्दी से बस दाल में तड़का लगा रही हूँ, आटा बन गया, सब्जी तैयार हो गई, सब कुछ हो गया। सलाद मुझे काटना है, तो खीरा मेरे पास था नहीं रहा, तो खीरा लेके आ रहे हैं। फटाफट सलाद काट दूंगी फिर मैं।
क्या बोला तो भोगता है ये एक वाइट पग है और ये फीमेल है ना ये पता नहीं क्यों कर रहा है क्या हुआ पता नहीं कौन है मेरे को नहीं मालूम पर हम लोग ऐसे ही आए थे गूगल को सामान रह गया था तो वो सामान लेने आया है गूगल का कंबल रह गया था लेने आया मैं अब जाके फ्री हुई हूँ और आप लोगों ने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी जहाँ पे था एक बाइट पग और उसे मैं इंसर्ट करूँगी इस वीडियो से पहले तो इन लोगों का सामान रह गया था स्पेशली गूगल का कंबल रह गया था और ठंड हो रही है तो वो कंबल छूट गया था कल तो क्या किया मैंने अपनी चादर वदर से कल उसका काम चलाया है बड़ी दिक्कत हो जाती है तो वो हम लोग लेने गए थे वहाँ पर एक बहुत ही क्यूट पग था वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था एक्चुअली में क्या हुआ वो जो पग था उसका जो उसके जो ओनर है जुलाई वुलाई से वो पग है वहाँ पे आप सोचिए हॉस्टल में वो पग जुलाई से है और वो जब आया था तो उसके पूरे बाल और रेड स्पॉट्स आप समझ रहे हो जो कहते ना खजैला हो जाता है खजैला ही बोलते जब कुत्ते को ज़्यादा मीठा खिला देते हैं या ग्रास व्रास में ज़्यादा छोड़ के रखते हैं तो एक कांग्रेस ग्रास भी होती है उसे कुछ और ही बोलते हैं जैसे वाइट वाइट फूल होते हैं तो उसके कारण पता है उसके पूरी बॉडी के बाल निकल गए थे और पूरा रेड हुआ पड़ा था तो उसके ना वो ही फोटो दिखा रहे थे ओनर थे जो तो वो वहीं पे था और आपको पता है वो बहुत अग्रेसिव था वो इसलिए अग्रेसिव था क्योंकि उसके ओनर से उसे कभी प्यार नहीं मिला गूगल बोल जो है वो बहुत फ्रेंडली है जैसे अगर कभी आप लोग मेरे घर आएंगे तो वो लोग आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे वो आपको जन्मों से जानते हैं मैं सिर्फ उससे थोड़ा बहुत प्यार करने की कोशिश कर रही थी वो मुझे बहुत गुर्रा रहा था मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा टच करूँ थोड़ा सा खिलाऊँ क्योंकि मुझे डॉग्स बहुत पसंद हैं तो मेरे को लगा थोड़ा खिलाती हूँ तो वो ऐसे गुर्रा रहा था तो उनने बोला कि वो काट भी सकता है तो उसे प्यार नहीं मिला था तो पग्स नॉर्मली इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखाते उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड था तो अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे कि मैं इतनी देर से कहाँ गायब थी तो क्या हुआ मैंने बनाया लंच लंच मैंने बहुत ही सिंपल रखा था क्योंकि पापा को बीपी भी है तो थोड़ा सा नॉर्मल सा लंच था ज़्यादा हैवी कुछ नहीं बनाया क्योंकि लंच के लिए आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा हैवी रोटी रखी मैंने दाल रखी सब्जी रखी और रोटी दाल सब्जी और चावल रखे और सैलड काट दिया था तो इतना रखा तो बनाया अभी भी दाल पता है बहुत सारी बची मैंने बहुत सारी बनाई थी कि दाल पी नहीं हो किसी को तो पापा लगन में जाना था उन्हें किसी की तेरवी में जाना था उसके बाद फिर वो गए हैं सुबह का मैंने कर दिया था उसके बाद वो तीन चार घंटे जो है लंच के बाद वो बैठ रहे हम लोग थोड़ा इंट्रैक्ट कर रहे थे उसके बाद लंच के टाइम के बाद चाय का टाइम भी हो गया तो फिर मैंने चाय भी बना दी तो बड़ा मज़ा आया बहुत दिनों बाद मैंने बोला जाए तो जो मेरा डिनर सेट है तो जो मेरा डिनर सेट है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है मेरे को डिनर सेट चेंज करना है पर मेरा डिनर सेट है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है और इस महीने एक बार और यूज़ होगा इस महीने मैं कुछ और भी स्पेशल करने वाली हूँ तो फिलहाल मैं जाके कर रही हूँ चेंज खाना तो फिलहाल कुछ खाना नहीं है ऐसा पता नहीं है पर मैं सोच रही हूँ कि दाल रखी हुई है और मेरे पास मेथी रखी हुई है तो मैं मेथी काट के आटा गूंद दूँगी तो अगर रोटी बनानी होगी दाल के साथ या अगर इन्हें पराठा खाना होगा तो उस हिसाब से बना लेंगे तो फिलहाल मैं जा रही हूँ जिम और उससे पहले मैं खा रही हूँ पल्स मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है एक्चुअली में ये जो टॉफी है ना ये मैंने अमरकंटक से खानी शुरू की थी अमरकंटक में ही ली थी आई थिंक नहीं अमरकंटक जब डिंडोरी से अमरकंटक जा रहे थे उस वाले रास्ते पे ये वाली जो टॉफी थी वो खरीदी थी और उसके बाद ये टॉफी मुझे इतनी पसंद आई एक्चुअली में उस टॉफी की खासियत यह है कि जब उससे चूसते हो ना चूसते हो सक करते हो या धीरे धीरे तो ना इसमें से ना काला नमक निकलता है आई थिंक काला ही नमक है वो चाट मसाला तो नहीं है काला नमक निकलता है उससे आपका जी जो है ना वो बहुत अच्छा ठीक हो जाता है अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है कुछ हो रही है तो चलिए मैं फटाफट जाकर होती हूँ तैयार और हम लोग निकलते हैं जिम के लिए क्योंकि बहुत मिस हो गया है और अब इस महीने से हमने सोचा है कि हमें हेल्दी रहना है फिट रहना है तो चलिए मैं जल्दी से तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ तो मैं हो गई हूँ तैयार और ये है मेरा टॉप राजा थोड़ा थोड़े से गुस्से में है क्योंकि वो आज भी मिस करना चाहते थे पर मैंने मिस नहीं करने दिया आज मिस करना चाहते थे ना तुम आज की ताजा खबर क्या सिपर नहीं प्याज मुझे अभी है चलो बाद में देखेंगे सिपर को बॉटल ले लो अभी बहुत दिन से गए सारे सामान उधर हो गए वैसे वहीं रखा होगा पर देखेंगे आज की ताजा खबर हमें लड़ाइयों की आवाज सुन रही है कोई लड़ाई कर रहा है हाँ कोई लड़ाई कर रहा है ओ कोई बहुत जोर से लड़ाई कर रहा है
हाँ, वो कोई लड़ रहा है। देखते हैं, मुझे देखना है। वैसे लड़ना इज वेरी बैड, लड़ना नहीं चाहिए। चल्ला चल्ला के लड़ो पर शांति से। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी आवाज़ें आ रही है मेरी आँखें। मैंने आज ना लैक्मे का काजल लगाया था, वो काजल इतना फैल रहा है ना, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने काजल लगाया, मुझे मेरा एलेटिन का नहीं मिल रहा। मम्मा, अरे कोई बहुत बुरा लड़ रहा है बर्तन फेंक के। कोई बर्तन, मम्मा कोई बर्तन फेंक रहा है वहीं पे। चलिए चलते हैं, गाड़ी गायब हो गई। हाँ अच्छा, ये देखो, डरे डरे कि मुझे ना बर्तन पड़ जाए। हर घर में होती हैं लड़ाइयाँ, पता आपको। मम्मी तो हम लोग आ गए हैं वापस, और आज काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। पता है, जिम जाकर ना फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो आपको मैं बताऊँ, मेरे चेहरे पे कुछ हो गया है, और मेरे पूरे चेहरे पे कमौरियाँ हो गई हैं। ये हैराम, मेरा पूरा चेहरा फल गया है। हाँ यार, कमौरियाँ देखो। हाँ, कमौरियाँ हो गई पूरी में। हैराम, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है मेरे को। कैसे हो गया ये? पानी सूट नहीं हुआ मुझे कहीं का। कहीं का क्या? वहीं का नहीं हुआ? या तो अमरकंटक का नहीं हुआ। हाँ। या फिर डिंडोरी का नहीं हुआ। ये देखिए मेरा पूरा माथा। आप लोग मुझसे पूछ भी रहे कमेंट में कि आपके चेहरे को क्या हुआ है। शेट। तो मुझे ना पूरे चेहरे पे, ये देखो माथा, देखो लाल हो रहा है। हाँ। ये लाल हो रहा है। हाँ ना। ये हो रहा है, मैं आइस लगाऊंगी और एलोवेरा जेल। अपना बहुत खुजली भी हो रही है यार। तो हम लोग आ गए हैं जिम से। तो इस टाइम अभी जिम करेंगे ना, तो ठंड पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा ये है कि असर, थोड़ा ये है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्वेटिंग के लिए, कि स्वेटिंग जितनी होगी उतना प्रॉफिट है। हाँ, राजा को बिल्कुल स्वेटिंग नहीं हुई है, मुझे हुई है। क्योंकि राजा के पैर में थोड़ी सी तकलीफ थी, और इसलिए इन्होंने दौड़ नहीं लगाई, रनिंग नहीं की है ट्रेडमिल पे। मैंने ट्रेडमिल पे बहुत रनिंग की है, और आप आज यकीन नहीं करेंगे, आज मैंने एक बहुत ही ब्रेवरी का काम किया है, और मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए। कौन कौन अग्री करता है ये बताइए। तो क्या हुआ है, बड़ी खुजली हो रही है। तो क्या हुआ, कल रात को मैं गई किचन में कुछ काम करने, और जहाँ मेरे बर्तन रखे रहते हैं ना, वहाँ पे एक छिपकली थी, और बहुत मोटी थी, बहुत ब्लैक कलर की डरावनी सी छिपकली। मैं देख के उसे भाग के आ गई। अब सुबह जब मैं गई, तो राजा ने मुझसे कहा था रात में कि मैं ना क्या करूँगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मतलब हटा के मार दूंगा, भगा दूंगा, क्योंकि छिपकली के साथ आप और कुछ तो कर नहीं सकते। तो फिर ये भूल गए, मैं ही भूल गई। और सुबह जब मैं चाय बनाने गई, तो मेरे को बड़ा डर लग रहा था। तो पापा के लिए चाय वगैरह बना रही थी मुझे, तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी तब तक। तो फिर मैंने ना गैस के नीचे झाँका,
और वहाँ पे वो छिपकली बैठी थी। मैंने उससे ना थोड़ा सा कोशिश करी कि वो हिले, पर मेरे को डर लग रहा था। पर वो जो एक फिनाइल आती है ना ब्लैक कलर की, जिसकी बहुत तेज स्मेल रहती है, वो राजा को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो वो वाली फिनाइल मैंने ली और मैंने थोड़ी सी गैस नीचे डाली और कम से कम आधी बॉटल फिनाइल आज मैंने रसोई पे खर्च करी है। मैंने सारी चीज़ें हटाई फटाफट और छिपकली मैंने फिनाइल डाली और वो क्या हुआ, भाग नहीं पा रही थी, पता नहीं फिनाइल का असर हुआ, सो बेहोश टाइप की हो रही थी। तो फिर मेरे को लगा कि चलो अब इसे ले जाएं लायक है। फिर मैंने राजा को कॉल किया, फिर राजा आए हैं। तो छिपकली के लिए मैंने राजा को बुलाया, पर छिपकली को बेहोश किया है मैंने, तो मुझे इसलिए ब्रेवरी अवार्ड मिला चाहिए, मेरे को बॉर्डर लगता है छिपकली से। तो फिर राजा आए हैं, फिर भी हमने उसे मारा नहीं, हम लोग उसे लेके गए, राजा ने मतलब उसे ऐसे ऐसे करके किया और फिर ये लेके गए और जो बाहर है ना, बाहर गेट के बाहर छोड़ के आ गए छिपकली को। मेरे लिए थोड़ी सी आइस ला दो ना प्लीज़। तो अब मैं आइस लगा रही हूँ, उसके बाद मैं एक शार लेती हूँ, उसके बाद जो खाने का काम है वो करूँगी। वैसे दाल और चावल सब्जी वगैरह सब रखा हुआ है मैं सोच रही हूँ, और आटा भी रखा हुआ मैं सोच रही हूँ, कुछ ना करके पता है रोटी छोटी सा सेक लेते हैं, हिम्मत नहीं हो रही। मैं सुबह से पता आज काम में लगी हुई हूँ लगातार। अरे यार इतनी सारी दे दी यार, सबके गालों पर लगाना कि मोहल्ले वालों के। हाँ ठंड में ठंडी आइस, बस यही बचा था। घमौरिया मेरे को गर्मी में हुई नहीं और नॉर्मल टाइम भी हुई नहीं है मुझे, अभी ठंड में मुझे घमौरी हो गई है। ये देखिए मेरी पूरी स्किन जो है उसका काम डल गया है। गर्मी कौन लगा है ही नहीं, तो पता नहीं कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। अभी मुझ पर कोई मेकअप भी क्या हो, मेरा एक दिन से ना मेकअप फट रहा था, जैसे मेकअप लगा रही थी ऐसा लग रहा था कि यार बेस सेट नहीं हो रहा है मेरा। फिर मैंने आज देखा मुझे ईचिंग हो रही थी, फिर मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि मुझे घमौरी हो गई है। सो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे डिम्पल के लिए, मेरी घमौरियों के लिए लाइक कर दीजिए, और मैंने थोड़ी सी मेहनत भी करी है आज हमारे डिनर सेट में, पहली बार किसी ने खाना खाया। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के घंटा बजाए, घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वो ठंडी है, लाल कलर का घंटा होगा, वो बेल दबाई, घंटा दबाए, घंटा हाँ। नोटिफिकेशन मिलेंगे, नई नई वीडियोस मिलेंगी, उसको देख लीजिएगा, पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब लाइक शेयर और लव यू ऑल। घमौरियों के लिए और कोई इलाज है तो बताइए, वैसे आइए से मुझे पता है। मम्मा मम्मा इतनी ठंड लग रही है, पता आपको ठंड हो रही है यहाँ पे, और ये सब करना पड़ रहा है, पर क्या करें, पापी चेहरा मेरा।